हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टडी विद अमित। आज स्टार्ट करते हैं साइंस का नेक्स्ट टॉपिक, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। तो आज नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र शरीर का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट है, शरीर का सबसे बड़ा कह सकते हैं भाग यही है तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। पूरे शरीर पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम इसी का है, ठीक है। शरीर के अंदर जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उन सब के साथ मिलकर पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम है, ठीक है ना। शरीर पूरा शरीर जो है वो छोटी छोटी तंत्रिकाओं का बना होता है, ठीक है ना, और उस पूरे को कंट्रोल करने का काम है तंत्रिका तंत्र का, ठीक है ना। अब तंत्रिका जो है कोशिका, तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यही है तंत्रिका कोशिका। अब इसका तो जो छोटा सा डायग्राम है वो देख लेते हैं कैसा होता है। इस तरह से होता है, इनको बोलते हैं डेंट्रिस। इनको क्या बोलते हैं? डेंट्रिस, ठीक है ना। ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक, ठीक है ना। ये पूरी सेल बॉडी है, ये पूरी क्या है, ये पूरी सेल बॉडी है। और ये जो है इसको बोलते हैं क्या, एक्सॉन, ठीक है ना। और ये वाले जो नीचे वाले ये भाग होते ना, ये वाले इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्नैप्स, स्नैप्स बोलते हैं, स्नैप्स, ठीक है ना। और इनके अंदर जो द्रव भरा रहता है उनको क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर, क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है ना। ये वाला कौन सा भाग है, स्नैप्स, ठीक है ना, स्नैप्स। ये हो गया एक्सॉन, एक्सॉन, ये हो गया केंद्र यानी न्यूक्लियस, ये हो गया डेंट्रिस, डेंट्रिस, ये हो गया सेल बॉडी, ठीक है ना। ये छोटा मोटा है तंत्रिका तंत्र का जो नॉर्मल, ठीक है ना, फोटो ये है। अब ये जो तंत्रिका तंत्र है, ठीक है ना, जो अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ मिलकर पूरे शरीर पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अब ये भी अलग अलग भागों में बंटा हुआ है, और ये चीज और तंत्रिकाएं हैं, तंत्रिका मतलब सबसे छोटी इकाई तो ये इसकी तंत्रिका की सबसे छोटी यानी कार्यात्मक इकाई कह सकते हैं न्यूरॉन्स है, ये ध्यान देना, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स। ये क्वेश्चन पूछा भी गया रेलवे के अंदर, अभी लास्ट जो एग्जाम वगैरह हुआ था उससे लास्ट ग्रुप डी के अंदर क्वेश्चन पूछे भी था न्यूरॉन्स के बारे में, मतलब तंत्रिका की सबसे छोटी क्या कहते हैं संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई कौन सी है, तो ये है न्यूरॉन्स, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और तंत्रिका तंत्र की बात करते तो इसके तीन मेन पार्ट कौन से हैं, और तीनों मेन पार्ट ध्यान रखना इम्पोर्टेंट तीनों। एक होता है केंद्रीय, कौन सी है, केंद्रीय, ठीक है ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरे नाम है परिधीय, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तीसरा है स्वायत्त, स्वायत्त, ठीक है ना। ये तीन मेन पार्ट है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना खाली यही एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए ना सब के अंदर इससे में से क्वेश्चन पूछते हैं, इनका कोई रोल नहीं है, खाली आप नॉलेज के लिए याद कर रख सकते हो, बाकी इनका कोई, ठीक है ना, याद करने की जरूरत नहीं है, क्या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से काम चल जाएगा। देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है, ठीक है ना, पूरे शरीर का और खुद तंत्रिका तंत्र का भी ध्यान रखता है, ठीक है ना। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भी दो पार्ट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो मेन पार्ट कौन से है, एक तो होता है मस्तिष्क, मस्तिष्क, और दूसरा होता है मेरुरज्जु, मेरुरज्जु, ठीक है ना।
ये दो इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्जाम के अंदर, इनमें से क्वेश्चन पूछता है, मैं तो मस्तिष्क में से ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। बाकी ये परिधि और स्वायत्त पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इसमें से खाली है कि ये क्वेश्चन ये वाले ध्यान रखना है, ठीक है ना। तंत्रिका की सबसे छोटी कई कॉन्शियस न्यूरॉन्स है, और दूसरा ये ध्यान रखना है स्नैप्स के अंदर जो भी द्रव भरा रहता है ना उसको क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन मस्तिष्क के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं मस्तिष्क के बारे में। देखो मस्तिष्क जो होता है वो एक क्रेनियम नाम की एक अस्थि का खोल जो है, यानी हड्डी कह सकते हैं क्रेनियम, क्रेनियम क्रेनियम नाम का एक अस्थि का खोल कह सकते हैं, ठीक है ना, अस्थि का खोल है आगे वाला जो हड्डी है ये वाला क्रेनियम, तो ये इसके अंदर ये रहता है मस्तिष्क, ठीक है ना। अब देखो क्रेनियम और मस्तिष्क के बीच में एक पतली सी झिल्ली होती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मेनिनजाइट। क्या होती है? मेनिनजाइट, ठीक है ना, मेनिनजाइट होती है जो क्रेनियम और मस्तिष्क के बीच में रहती है, मेनिनजाइट। जब कभी भी बाहरी आघात या ठीक है ना कोई चोट लग जाती है तो उससे बीमारी जो होती है उसको बोलते हैं मेनिनजाइटिस। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेनिनजाइटिस। ये बीमारी है, ठीक है ना, कोई बाहरी चोट बाहरी आघात या संक्रमण भी कह सकते हैं, ठीक है ना, तो उससे बीमारी होती है मेनिनजाइटिस, ठीक है ना। ये था ध्यान रखना। और दूसरा ये कि मस्तिष्क जो होता है वो लगभग कह सकते हैं 1400 ग्राम का होता है, ये इसका वेट 1400 ग्राम, ठीक है ना। अब मेन इसके भाग है, भाग के बारे में पढ़ रहे थे, देखो भाग, इसके भाग मेन कौन से है? एक होता है अग्र, अग्र मतलब आगे वाला भाग, एक होता मध्य बीच वाला भाग, और एक पश्च यानी पीछे सबसे पीछे वाला भाग, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क के भी तीन भाग हो गए, एक भाग होता है सेरिब्रम, कौन सा सेरिब्रम, एक होता है थैलेमस, थैलेमस एक होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। और मध्य मस्तिष्क की बात करें, इसका एक भाग होता है कॉर्पोरा, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना, और एक भाग होता है सेरिब्रम, ठीक है। और पश्च मस्तिष्क के भी दो भाग होते हैं, एक भाग होता है सेरिबेलम और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, ठीक है ना। तो ये सारे इसके पार्ट हो गए। देखो अग्र मस्तिष्क यानी जो आगे वाला भाग है ना, ये आगे वाला भाग, आगे वाला भाग जो है उसमें ये तीन पार्ट है, एक तो सेरिब्रम, एक थैलेमस, एक हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। देखो सेरिब्रम का काम क्या होता है, सेरिब्रम का काम क्या है, हाँ तो सेरिब्रम क्या होता है, देखो इसके एक दो के नाम ध्यान रखना, एक तो होता है ये प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, ठीक है ना, और जो सेरिबेलम है ना उसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, ठीक है ना। सेरिब्रम जो है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग यही है, ठीक है ना। दूसरा कि सबसे
इम्पोर्टेंट पार्ट भी यही है सेरिब्रम, ठीक है ना। देखो इसका काम क्या है, जैसे बुद्धिमता का काम, एक तो बुद्धिमता इंटेलिजेंस, बुद्धिमता कोई भी याददाश्त हो गई, याददाश्त या कोई भी चिंतन का काम है, सोच विचार का काम है, ठीक है ना, ज्ञानेंद्रों का द्वारा कोई भी चिंतन करने का काम है, वो सारा काम सेरिब्रम से होता है। शरीर का सबसे बड़ा पार्ट, मतलब कह सकते हैं कि 60% से भी ज्यादा, 60% से भी ज्यादा मस्तिष्क का 60% से भी ज्यादा भाग सेरिब्रम अकेला कुछ कवर करता है, ठीक है ना। जिसका सेरिब्रम जितना बड़ा होगा उसका दिमाग उतना ही तेज होता है, ठीक है ना, उसके सोचने समझने की क्षमता भी उतनी तेज होती है। तो सेरिब्रम इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मस्तिष्क का, ठीक है ना। फिर अब बात करता है ये थैलेमस की, थैलेमस का काम क्या है कि जो बाहरी वातावरण है उसका फील करवाना, क्या कहते हैं, अनुभव, मतलब जो बाहरी वातावरण में क्या चल रहा है, जैसे सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, या किसी ने अगर पिंच चुबा दी तो मतलब दर्द हो रहा है, तो ये जो बाहरी आघात है उसको बाहरी वातावरण कह सकते हैं, उसको कौन ध्यान में लगता है, थैलेमस। तो इसमें क्या कह सकते हैं अपन, जैसे दर्द की बात है, दर्द है, ठीक है ना, अगर ठंडा लग रहा है, गर्म महसूस हो रहा है, महसूस कह सकते हैं, मतलब बाहरी वातावरण को जो महसूस करवाता है वो ये थैलेमस है, ठीक है ना। और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये अंदर के वातावरण का ध्यान रखता है, मतलब थैलेमस हो गया बाहर के वातावरण का ध्यान, और अंदर के वातावरण का ध्यान रखता है। जैसे अगर भूख लगी है, भूख लगी है, प्यास लगी है, ठीक है ना, भूख हो गई, प्यास हो गई, अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, मतलब गर्मी लग रही है अब, ठीक है ना, गर्मी लगना, अंदर गर्मी लगना, ठीक है ना, और भी छोटी मोटी चीज जैसे प्यार है, घृणा है, ठीक है ना, इन सब का कंट्रोल नियंत्रण का काम ये हाइपोथैलेमस का है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। और दूसरा ऊपर जल का, जो उपापचय का काम हाइपोथैलेमस का है, और जो भी अंतःस्रावी ग्रंथ से जो भी हार्मोन्स निकलते हैं उन सब का नियंत्रण भी यही करता है हाइपोथैलेमस। तो ये इंपॉर्टेंट है हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। फिर आते हैं, ये तो हो गया अग्र मस्तिष्क, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। मध्य में क्या है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसका काम केवल दो ही ध्यान रखना, कि एक तो ये दृष्टि और दूसरा श्रवण, मतलब इन दो को नियंत्रण करने का काम इसी का है। तो खाली लिख सकते हैं अपन, एक तो सुनने की क्षमता, सुनना और देखना, बस ये दो ध्यान रखना, ठीक है ना। इन दो को नियंत्रण यही करता है, एक तो देखने का काम और सुनने का काम, ये पूरा कंट्रोल यही करता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है ना। सेरिब्रल का काम क्या है कि जो भी ये जितने भी मस्तिष्क के पार्ट है ना, इन सबको मेरु रज्जु से जोड़ते हैं, मेरु रज्जु से जोड़ने का काम, मतलब पूरे भाग को सेरिब्रल है जो पूरे भाग को मेरु रज्जु से जोड़ता है, ठीक है ना। फिर आता है पश्च मस्तिष्क सेरिब्रम, ये इसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क, ठीक है ना। देखो शरीर का ये सॉरी शरीर में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग है, और कोई दूसरा जो सबसे बड़ा भाग है वो है सेरिब्रम, ठीक है ना। सेरिब्रम दूसरा सबसे बड़ा भाग है, ठीक है ना। अब इसका काम क्या है, इसका काम है शरीर का संतुलन, ठीक है ना। अपन उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, चल रहे हैं, इन सब का नियंत्रण सेरिब्रम कहता है, सेरिब्रम, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं शरीर का संतुलन, शरीर का संतुलन मतलब शरीर का संतुलन बने रखने का काम इसी का है, शरीर का संतुलन बना के रखना, ठीक है ना। सेरिब्रम का काम है अनुमस्तिष्क कहते हैं, शरीर का मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। फिर आता है लास्ट मेंडुला ऑब्लॉन्गेटा, तो ये जो पीछे का जो भाग है ना, पीछे वाला भाग वो है मेंडुला ऑब्लॉन्गेटा, ठीक है ना। पीछे का सबसे बड़ा भाग है, पीछे का जो भाग है ना एंड वाला मस्तिष्क का, वो है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, पीछे वाला भाग। इसका काम क्या है कि ब्लड प्रेशर है, उपापचय है, ठीक है ना, इन क्रियाओं का नियंत्रण करने का काम है, ठीक है ना, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा का। और दूसरा ये ध्यान रखना कि मस्तिष्क के अंदर 12 जोड़ी तंत्रिका होती है, कितनी, 12 जोड़ी,
12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है, 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये इसके पार्ट हो गए, इनके बारे में थोड़ा बहुत, और इम्पोर्टेंट ये तो सभी ब्रह्म है, ठीक है ना। इनके बारे में सबसे बड़ा भाग यही है, इसको ब्रह्मोसिस कहते हैं, यादस वगैरह, ठीक है ना। बुद्धिमता चिंतन का काम इसका है। थैलेमस का काम क्या है कि बाहरी वातावरण का ध्यान, मतलब उसको महसूस करवाना, बाहरी वातावरण जैसे दर्द है, ठंडा गर्म वगैरह लग रहा है। हाइपोथैलेमस इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट हाइपोथैलेमस है कि अंदर के वातावरण का ध्यान रखना, जैसे भूख लग रही है, प्यास है, गर्मी लग रही है, तो इसके कारण ही पसीना निकलता, ठीक है ना। गर्मी, प्यास, घृणा वगैरह ये कंट्रोल करता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, चलो मैं लिख देता हूँ कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो भी हार्मोन्स निकलते हैं, उन तो हार्मोन्स का जो नियंत्रण है वो ये करता है कौन, हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस करता है, इम्पोर्टेंट है। और बाकी मध्य मस्तिष्क में क्या है, दो पार्ट है, एक तो कॉर्पोरा कॉर्टेजमिना, दूसरा सेरिब्रल कॉर्डिल। ये कॉर्पोरा कॉर्टेजमिना का काम क्या है, खाली ये वाला ध्यान रखना बस, एक तो ये देखने वाला, दूसरा सुनने वाला काम है। सेरिब्रल का काम क्या, मेरु रज्जु को जोड़, मतलब पूरे भाग को मेरु से जोड़ता है ये सेरिब्रल, ठीक है ना। फिर पश्च मस्तिष्क में क्या आता है कि सेरिबेलम, सेरिबेलम को दूसरा नाम क्या है, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है कौन सा, सेरिबेलम, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ठीक है ना। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा क्या, मस्तिष्क का पीछे का भाग है, सबसे पीछे का भाग है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, ठीक है ना। जो भी उपापचय है, ब्लड प्रेशर है, उनको नियंत्रित करता है, ठीक है ना। तो ये मस्तिष्क का पूरा पार्ट, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखना। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट मेरुरज्जु के बारे में, और दूसरे जो पार्ट बचे उनके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं मेरुरज्जु के बारे में। देखो मेरुरज्जु क्या है, इसको बोलते हैं स्पिनल कॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। मतलब जो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा है उसके बाद में ही ये स्टार्ट होता है मेरुरज्जु, ठीक है ना। और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के बारे में एक चीज और ध्यान रखना कि हृदय की धड़कनों का नियंत्रण वो करता है, ये भी ध्यान रखना, हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करता है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, ठीक है ना। देखो ये मेरुरज्जु जो है ना, ये 31 जोड़ी इसमें तंत्रिका होती है, कितनी, 31 जोड़ी, मस्तिष्क के अंदर थी 12 जोड़ी, इसके अंदर है 31 जोड़ी तंत्रिका, जोड़ी तंत्रिका होती है, ठीक है ना। अब इसका काम क्या होता है कि जो भी प्रतिवर्ती क्रिया है, कौन सी प्रतिवर्ती क्रिया, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है ना। तो इसका नियंत्रण, इसका जो भी नियंत्रण है, इसका नियंत्रण का काम मेरुरज्जु करता है, ठीक है ना। जो भी प्रतिवर्ती क्रिया है उसका नियंत्रण कौन करता है, यही करता है मेरुरज्जु, ठीक है ना। मतलब मस्तिष्क को कोई भी मतलब सिग्नल पहुंच सकता है वो काम करता है, और मेरुरज्जु है वो ऑटोमेटिक काम करने लगता है, ठीक है ना, ठीक है। मेरुरज्जु हो गया, अब बाकी की दो जो बची हुई, एक तो परिधीय पेरिफेरल। देखो परिधीय में कुछ नहीं है, वैसे भी क्वेश्चन इससे पूछेगा तो है नहीं, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो भी मस्तिष्क से जो 12 जोड़ी आई थी, और जो तंत्रिका थी, और इसकी 31 जोड़ी, इनसे मिलकर बनती है ये परिधीय तंत्रिका तंत्र। बस इतना सा ध्यान रखना कि मेरुरज्जु की 31 जोड़ी तंत्रिका है, और 12 जो मस्तिष्क की तंत्रिका है, 12 जोड़ी, ठीक है ना। ये जोड़ी में ध्यान रखना, जोड़ी मतलब एक तंत्रिका, मतलब पूरा सिस्टम है 24 तंत्रिकाओं का बना है, ये 62 तंत्रिकाओं का बना है, ये जोड़ी के फॉर्म में, ठीक है ना, जोड़ी के फॉर्म में योग्य परिधि। और नेक्स्ट कौन सा था, स्वायत्त। देखो स्वायत्त में क्या होता है, इसके अंदर जो जितने भी थी वो पूरी की पूरी है, जैसे मस्तिष्क के अंदर 12 थी, 12 जोड़ी, मेरुरज्जु में 31 थी, तो 31 जोड़ी, ये टोटल इन टोटल से मिलकर बना है परिधि, लेकिन वो टोटल से नहीं, ये कुछ एक से, मतलब कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है, यानी कि कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है स्वायत्त। अब स्वायत्त के अंदर दो जो मेन पार्ट है, तो है अनुकंपी और
परानुकंपी, ठीक है, अनुकंपी परानुकंपी, ठीक है। देखो ये रिफ्लेक्ट एक्शन वाला है, ये किसने खोजा था, मार्शल हॉल है, मार्शल हॉल नाम का कोई साइंटिस्ट है, उसने इसकी खोज हुई थी, ठीक है ना, इनके बारे में स्टडी की थी पहले। तो ये स्वायत्त वाला देख लो, स्वायत्त में अनुकंपी और परानुकंपी क्या होता है, देखो अनुकंपी क्या होता है कि जैसे हार्ट बीट का तेज होना, आंख का एकदम फूल का मोटा होना, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, जो भी शरीर के बाल है उनका खड़ा होना, ठीक है ना। और परानुकंपी क्या है, उसका जस्ट अपोजिट, उसका उल्टा, ठीक है ना। और दो चीजें जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन जो जिसमें से आता है, ईज है, देखो ईज के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। ईजी मतलब जो मस्तिष्क की जो कहते ना उसकी जांच, मस्तिष्क की जो ब्रेन की जो जांच होती है वो इससे होती है, ईजी से, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो एन सेफेलो ग्राफ, ठीक है ना, ये ईजी है। और एक ईसीजी होती है, ईसीजी किसकी होती है, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये हार्ट की होती है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ये हार्ट की मतलब हृदय की जांच, हृदय की जांच किससे होती है, किससे, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वो है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये ईजी के बारे में, ठीक है। टोटल ये तंत्रिका तंत्र के बारे में जितना ही था वो सब हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनते हैं बता दी मैंने आपको, ये कैसा लगा, ठीक है ना, कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।